12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 निश्चित समाकलन। प्रश्न हमारे पास है, निश्चित समाकलन को क्षेत्रफलों के योग की सीमा के रूप में प्रयोग करते हुए निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसका हल करेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यहाँ जो दिया है, यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबरी से एक्स, इसलिए एफ ऑफ 1 = 1 और एफ ऑफ 1+h जो होगा वो किसके बराबर, 1+h आदि। अब इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या 1 to 4 एक्स डी एक्स बराबरी से क्या लिमिट h→0। हमारे पास पद होंगे एफ ऑफ 1+ एफ ऑफ 1+h प्लस एफ ऑफ 1+2h से लेकर कहाँ तक के एफ ऑफ 1+n-1 h तक के पद होंगे। इनको जब हम लिखेंगे तो ये पद क्या होंगे, ध्यान दीजिए, लिमिट क्या h→0 एफ ऑफ 1 हमारे पास में, यह हमारे पास होगा h, यहां भी आएगा h। आगे देखिए एफ ऑफ 1 मीन्स 1 प्लस h 1+2h प्लस डेस डेस क्या, यहाँ पर जो मान आएगा 1+n-1 एच। आगे इसी का सॉल्व होगा लिमिट h→0 एक धन एक कितने टाइम, n टाइम्स, तो इनका योग हो जाएगा n प्लस एच 2h 3h 4h n-1h एच, ये क्या 1+2+3+ कहाँ तक n-1 तक। अब यहाँ क्योंकि डबल दो बार छोटे कोष्टक का उपयोग ना करें तो हम सर्पाकार कोष्टक, और ये एच तो छुट्टी है। आगे देखिए लिमिट h→0 एच, यहाँ देखिए n+h, एक से n-1 टर्म्स का जब योग करेंगे तो आएगा n-1 n/2। दोनों में n क्या है, कॉमन है, दोनों में n क्या है, कॉमन है, तो n को कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट h→0 nh, तो यहाँ पर क्या 1+h n-1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे लिमिट h→0 nh, यहाँ देखिए 1+nh/2 - h/2 कुछ इस तरीके से लिमिट h→0 nh 4-1
वन प्लस फोर माइनस वन बाय टू माइनस एच बाय टू। एच की लिमिट यहाँ जैसी रखेंगे तो फोर माइनस वन किस में, थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, वन प्लस थ्री बाय टू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू फाइव बाय टू इक्वल टू क्या, फिफ्टीन बाय टू इक्वल टू सेवन एंड हाफ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी, शेष कर धन्यवाद।